नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5, 6, 7 और 8 जनवरी के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। दसवीं राशि लेते हैं, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आपके लिए 5 जनवरी का दिन अच्छा नहीं है। इस दिन अपने आप को समस्याओं से बचा करके रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जहां जहां पर आपका अपमान हो सकता है वहां से खुद को दूर रखें। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते उनसे भी अपने आप को दूर रखें। किसी को भी बिना वजह कोई सलाह न दे। लोग अगर आपको सलाह देते हैं और वो सलाह आपको पसंद नहीं आती है तो तुरंत प्रत्युत्तर ना दें। हो सके तो रेस्पॉन्ड कम कर दें। ज़्यादा रेस्पॉन्स करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। आप रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, थैंक यू बोलकर निकल जाएंगे तो आप कई सारी मुसीबतों से 5 जनवरी को बच जाएंगे। 6 जनवरी के दिन आप स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में यदि कोई समस्या थी तो वहाँ भी उन्हें लाभ शुरू हो जाएगा। आपकी किसी बड़ी समस्या में आपको कैसे उस समस्या से निकलना है इसका रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा 6 जनवरी को। 6 जनवरी के दिन आप अगर किसी समस्या में अभी भी ग्रस्त हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा और उस पर चिंतन करते हैं तो आपका चिंतन करना रंग लाएगा। जैसा मैंने कहा, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, दो चीज़ें मैंने बताई। पहली, हो सकता है आपको समाधान स्वतः मिल जाए, लेकिन जिन लोगों को स्वतः समाधान नहीं मिल रहा वे बैठकर विचार करेंगे तो समाधान मिल जाएगा, इसलिए मैंने दो चीज़ें कही। 7 जनवरी के दिन आप एक प्रशिक्षु व्यक्ति की तरह से पेश आएंगे। कुछ नया सीखने के लिए तत्पर और लालायित रहेंगे। अपने आप को साबित करने के लिए भी बहुत उत्सुक रहेंगे, लेकिन आप अपने फायदे के प्रति इतने पॉजिटिव रहेंगे, इतने सजग रहेंगे कि दूसरे का नुकसान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। बट यहाँ पर अच्छी चीज़ यह है कि आप 7 जनवरी को किसी का नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कोशिशें बड़ी कमज़ोर सी होंगी। तो इस कमज़ोर कोशिश को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को कुछ अगर नया सिखा सकते हैं इस दिन तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आप 7 जनवरी के दिन किसी योजना पर अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो उस योजना पर डट कर लगना होगा, ये पहले जान लीजिए, तभी कार्य को शुरू करिएगा। 8 जनवरी के दिन आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, उन्हें अपने अनुसार चला पाएंगे। आप अपने स्वभाव में भी कुछ परिवर्तन करना चाहते थे तो वो कर पाएंगे। 8 जनवरी के दिन आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपके अनुसार परिवर्तित भी हो रही हैं और कुछ चीज़ों को आप परिवर्तित करके अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। तो ये आपका दिन रहेगा। इस दिन आप जितना ज़्यादा चीज़ों को या लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकालना चाहेंगे उतना आप कर पाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप एक लाइन में जाएं और किसी को ही बोलें कि मेरा काम कर दो और वो कर देगा, ऐसा नहीं है। हिप्नोटाइज नहीं कर पाएंगे, आप प्रभावित कर पाएंगे। अब प्रभावित करने के लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, तो इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों के लिए 5, 6, 2 तिथियाँ अच्छी नहीं हैं। 7 तारीख को आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा अपने प्रेमी से। हालांकि कोई बुरा दिन नहीं है, लेकिन आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपका फायदा उठाया जा सकता है। अब ये किस प्रकार का होगा ये वही और आप जाने। जबकि व्यापार की दृष्टि से केवल 5 जनवरी अच्छी नहीं है, 6, 7 और 8 अच्छी तिथियां हैं। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 5, 6, 7 और 8 जनवरी के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।